हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके टेक्निकल जोन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज यहां पे एयरटेल की ओर से अनाउंस कर दिया गया है कि वो अपनी 3G सर्विस को इंडिया में बंद कर रही है। जी हां दोस्तों, एयरटेल अपनी 3G सर्विस को इंडिया में बंद करने जा रही है। तो आज के वीडियो मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि सबसे पहले एयरटेल इंडिया में अपनी 3G सर्विस को कहाँ पे बंद करेगी। तो सारी डिटेल आज के वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एयरटेल अपनी 3G सर्विस को इंडिया में बंद करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो जब से इंडिया में अपनी 4G सर्विस को लॉन्च की है, तब से कई सारे टेलीकॉम कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हुई है। क्योंकि दोस्तों, रिलायंस जियो के आने के पहले यहाँ पे 3G सर्विस के लिए काफी महंगे प्लान दी जाती थी, मगर दोस्तों जियो जब से इंडिया में अपना 4G सर्विस को लॉन्च की है, तब से काफी सारे यूजर्स जियो 4G को यूज करने लगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे यूजर्स के पास 4G स्मार्टफोन होने लगे, और इसके कारण यहाँ पे 3G सर्विस से लोग 4G सर्विस में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो इसी के कारण दोस्तों, एयरटेल सबसे पहले कोलकाता सर्कल में अपनी 3G सर्विस को बंद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता सर्कल में सबसे पहले एयरटेल अपनी 3G सर्विस को बंद कर रही है। यहाँ पे दोस्तों, एयरटेल अपनी 3G सर्विस के लिए 900 मेगाहर्ट्ज बैंड प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन एयरटेल अब यहाँ पे 4G सर्विस के लिए 900 मेगाहर्ट्ज बैंड यूज करेगी। यानी कि दोस्तों, जो एयरटेल 3G सर्विस के लिए बैंड यूज कर रही थी, उसी को अब 4G नेटवर्क के लिए यूज करेगी। मतलब कि दोस्तों, कोलकाता सर्कल में अब आपको 3G नेटवर्क नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एयरटेल फिलहाल 2G सर्विस को बंद नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 3G सर्विस को बंद कर रही है। तो सबसे पहले एयरटेल अपनी 3G सर्विस को कोलकाता सर्कल में बंद कर रही है, और धीरे धीरे पूरे इंडिया में अपनी 3G सर्विस को बंद कर देगी। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन आज यहाँ पे एयरटेल की ओर से निकल कर आए थे। तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग कितने यूजर्स एयरटेल की 3G सर्विस को यूज कर रहे थे। तो धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।